वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान के खिलाफ वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के करोल बाग में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सलमान खान की फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है वाल्मीकि समाज। लिबर्टी हॉल में मूवी देखने के दौरान प्रदर्शनकारी भड़क गए थे। सिनेमा हॉल में भगदड़ का भी माहौल हो गया। भगदड़ में कई लोग घायल हुए, कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। बता दें आपको, आज सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है, 5700 स्क्रीन्स पर इसको रिलीज किया गया है और मूवी को लेकर वाल्मीकि समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लिबर्टी हॉल की अगर बात करें तो मूवी को देखने के लिए जो लोग आए हुए थे वहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, लेकिन लगातार प्रदर्शन जारी रहा। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। करोल बाग की पूरी घटना आपको बता रही है, जहां पर वाल्मीकि समाज लगातार इस पिक्चर का विरोध कर रहा है। पद्मावती के बाद अब एक बार सलमान की मूवी विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। रिलीजिंग का पहला दिन था, आज ही मूवी रिलीज हुई है और आज ही वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के करोल बाग की यह घटना है, जहां पर सलमान खान की मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखी गई। संजय वर्मा हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सलमान खान की फिल्म को लेकर प्रदर्शन कर रहा है वाल्मीकि समाज, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, सलमान खान द्वारा एक विवादित टिप्पणी की गई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसको जो वाल्मीकि समाज है वो काफी आहत हुआ और आज उन्होंने करोल बाग के लिबर्टी हॉल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के दौरान शो चल रहा था, शो चलने के दौरान वहां पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कई लोगों के चोट आई। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूरे मामले को फिलहाल अभी शांत है। जी संजय, क्या मांग कर रहा है वाल्मीकि समाज की पिक्चर को बैन किया जाए या फिर हॉल को बैन किया जाए, फिलहाल की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? देखिए, वाल्मीकि समाज का साफ कहना है, जो विवादित टिप्पणी की गई थी उसके लिए बकायदा सलमान खान जो है उनसे माफी मांगे और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक किसी भी सूरत में ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा और जो फिल्म लगी है वो नहीं चलने दी जाएगी। वाल्मीकि समाज का एक ही मांग है कि सलमान खान ने जो विवादित टिप्पणी की है उसके लिए वो माफी मांगे और तभी इस फिल्म को चलने दिया जाएगा। हालांकि जिस समय ये प्रदर्शन चल रहा था, जिस समय वहां पर काफी भीड़ थी और उस समय फिल्म का शो भी चल रहा था, शो के दौरान अचानक जो वहां पर पब्लिक शो पिक्चर देख रही थी उसी समय अचानक जब कुछ लोग अंदर घुसे हैं वहां पर जमकर तोड़फोड़ की, कुछ लोगों के चोटें आई हैं। उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया था, काफी संख्या में इस समय पुलिस बल वहां पर तैनात है।